नमस्कार, स्वागत है आपका टुडेज पर। आपको ये बात बता दें कि संजय लीला भंसाली की आने वाली अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी नहीं है, बल्कि उसके पहले एक और फिल्म आ रही है उनकी, जिसका नाम है ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज। ये फिल्म जो है लिटिल नोन प्रोडक्शन, जो उनका एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके तहत बन रही है और इसके लीड एक्ट्रेस पर से पर्दा उठ चुका है। इसमें जो है फिल्म मेकर अशोक ठकेरिया और अभिनेत्री पूनम ढिल्लो के बेटे अनमोल ठकेरिया दिखाई देंगे और ब्यूटी क्वीन जटलेका मल्होत्रा, जिन्होंने 2014 मिस इंटरनेशनल में हिस्सा लिया था, वो भी दिखाई देंगी आपको। कोरोना जैसी महामारी के चलते कई फिल्म मेकर्स ने अपनी फिल्म के रिलीज को होल्ड पे रखा है। ऐसे में संजय लीला भंसाली OTT पे अपने इस मॉडर्न डेज रोमांटिक फिल्म को रिलीज करने की तैयारी में है। ये फिल्म अब थिएटर में न रिलीज होकर के सीधे OTT पर रिलीज होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्यूजडेज एंड फ्राइडेज दो ऐसे युवाओं की कहानी है जो हफ्ते में इन दो दिन एक दूसरे से मिलते हैं और बाकी दिन किसी को भी डेट करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये मॉडर्न रिलेशनशिप किस तरफ जाती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या इमोशनल इन लोगों पर जो है टर्मोइल गुजरती है जब ये रियलाइज करते हैं कि इन्हें एक दूसरे से प्यार है, लेकिन ये दोनों जो हैं एक दूसरे के एक्सक्लूसिव नहीं हैं। ये एक मॉडर्न टेक है रोमकॉम के ऊपर और आपको इस फिल्म में इनके अलावा जो है बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार दिखाई देंगे। निकी वालिया दिखाई देंगी, जोआ मुरानी दिखाई देंगी, परवीन दबास, कामिनी खन्ना, अनुराधा पटेल, अशीम गुलाटी और परवीन सेठी भी दिखाई देंगे आपको। तो इस फिल्म को आप देखना ना भूलें। किस OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी ये आपको हम जल्दी ही बता देंगे, तो आप जो है तुरंत सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ हो आपको तुरंत पता चल जाए हमारे थ्रू कि ये फिल्म आप कहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद।